हेलो दोस्तों, तो यार मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोसेस जारी है, बहुत सारे बच्चों ने जो है बहुत सारे कॉलेजों में अप्लाई कर रखा है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में, स्पेशली फॉर पीजी प्रोग्राम, बिकॉज ड्यू टू सम इश्यूज बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। पिछले कुछ दिनों की अगर अपन बात करें दीपावली से पहले, आजकल मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ, मेरे पास कॉल्स आते हैं कि हमको पता नहीं है, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं उनको कॉल पे भी बोल देता हूँ बहुत सारे लोगों को कि सब्सक्राइब करना जरूरी है, कि वो उनसे जो अपडेट है वो छूट जाता है। बहुत सारे बच्चों को कॉल आता है कि भैया हमको तो पता ही नहीं था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ओपन काउंसलिंग होने वाली है, ओपन काउंसलिंग हो चुकी है, क्या सारा चीज है, मैं तो कुछ आइडिया ही नहीं था। इसलिए हम बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, अगर करते तो शायद पता होता। अभी ये अपडेट है कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पीजी का क्या अपडेट, हालांकि पहले कुछ दिनों में अपडेट दिया गया था कि 3 नवंबर को आपको ऑफलाइन बुलाया गया, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात पता है नहीं, क्योंकि तुम लोग वीडियो को ना तो शेयर करते हो ना देखते हो, अरे ऐसे ही चलो ठीक है चले जाएंगे, चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जाएंगे भी कल, मुझे पता है तुम लोग वीडियो देखते नहीं, कल जाओगे, बहुत सारे बच्चे जाएंगे, कल पता चलेगा ओ माय गॉड ये तो काउंसलिंग कैंसिल हो गई, बाद में उनको कॉल करेंगे सर कैंसिल हो गई काउंसलिंग, तो ऐसा रियल में होता है। ठीक है, ये इंडिया है जनाब, ठीक है, यहाँ पे काम की बात कोई नहीं सुनता और कच्चा बादाम हर कोई देख लेता है। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में होने वाली ओपन काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया गया है। 3 नवंबर को जो है आपकी फिर से थर्ड राउंड ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, थर्ड राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद जो है उसको आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिया गया जाएगा टिल 6 तारीख तक। जैसे आपको 3 नवंबर को अलॉटमेंट आता है, आपको 6 नवंबर तक आप जो है फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर उसके बाद अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो 7 तारीख को जो है फिर से आपकी एक स्पोर्ट राउंड के लिए नोटिस जारी किया जाएगा कि 7 तारीख को जो है आपका स्पोर्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है, मतलब उसके लिए अपडेट दिया जाएगा। हालांकि स्पोर्ट राउंड या फिर ओपन काउंसलिंग जो है वो 11 तारीख को स्टार्ट की जाएगी, इसके लिए ये कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है कि आपका ऑफलाइन जाना है कि ऑनलाइन होगा कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई भी अपडेट है नहीं। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखें, आपको जो 3 तारीख को जो ऑफलाइन होने वाली थी वो ऑनलाइन ही होने वाली है। अपने दोस्तों को जो इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए ताकि जो है किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी ना हो, और ये एक अच्छी अपडेट है कि आप लोगों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा जाने वगैरह के लिए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका पहले ही एडमिशन हो गया था, ठीक है, जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, उनको भी ये इश्यू रहता है कि हमारा ऑफलाइन कब जाना। 14 तारीख से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट है, ऑफिशियल जो क्लासेस है अनाउंसमेंट इज 14 नवंबर, तो 14 तारीख से आप लोगों की क्लासेस जो है नोटिफिकेशन आ चुका है रिगार्डिंग द स्टार्टिंग। तो अपने आपको प्रिपेयर कर ले, जिन भी बच्चों का एडमिशन हो चुका है फाइनली जाने के लिए तैयार हो जाइए और खूब पढ़ते रहिए, पढ़े इंडिया के साथ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मैंने आपकी हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। 100 सब्सक्राइबर 120 सब्सक्राइबर कर दोगे तो आपको एक फैंटास्टिक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो हम शेयर करेंगे बाय द इंजीनियरिंग वाला फाउंडेशन, जरूर से सारे के सारे बच्चे जाके सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा के साथ जिन भी बच्चों को इसके रिगार्डिंग गाइडेंस नहीं है या फिर काफ़ी लो मार्क्स है, वो हमारे व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी अपडेट दी जाती है रिगार्डिंग द एडमिशन, कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, किस गवर्नमेंट में होगा, किस कॉलेज में कितनी सारी सीटें वैकेंट है, सब कुछ टोटली। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, धन्यवाद।